ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स क्लास के लिए रुचिरा चैप्टर और उसकी अब एक्सरसाइज हम करेंगे। हमने ये चैप्टर जो किया था, इससे जो पहले वाला वीडियो था उसको, उसके अंदर हमने इसकी हिंदी की थी चैप्टर के सभी लाइनों की, कि इसमें जो भी था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नंबर डाल करके, जैसे ये मैंने नंबर डाल दिया, टोटल साइज से 19 है, इसके 19 ही है टोटल। आपको क्या करना है, 19 है तो आप पांच पांच डेली की डेली पांच पांच वर्ड्स लर्न कर सकते हैं, या फिर आठ आठ, जैसे पहले एक बारी के अंदर 9 कर लिए, एक बारी में 10 कर लिए, इस तरीके से लर्न करने हैं। और लर्न जरूर करनी है, वर्ड में नहीं, इनको स्किप नहीं करना है। आप लोग इसको स्किप कर देते हो तो फिर चैप्टर भी सही से दिमाग में बैठता नहीं है। जब वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो बताइए आप कैसे तो लर्न रख सकते हैं। तो आप अपनी वोकेबलरी ज़रूर बढ़ाएं संस्कृत की, जैसे आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर करते हैं। इंग्लिश के अंदर तो स्पेशली करते हैं आप, एंटोनेम, सिनोनेम, वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं ताकि आपकी वर्ड पावर बढ़े। तो क्यों फिर संस्कृत के अंदर स्किप करते हैं? संस्कृत के अंदर भी आपको लर्न करनी चाहिए, चाहे ये एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए। कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर एग्ज़ाम में कभी नहीं आते वर्ड मीनिंग, लेकिन जब वर्ड मीनिंग ही अगर आपको नहीं आते होंगे तो बताइए कैसे तो आप कर पाएंगे, कैसे आप चैप्टर कर पाएंगे, कैसे आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़े थोड़े करके कर लीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। अब यहाँ पर है उच्चारण कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये सारे के सारे पुल्लिंग वर्ड है, छात्र, शिक्षक, मयूर, शुक, बालक, छात्र मतलब विद्यार्थी, शिक्षक मतलब अध्यापक, एक अध्यापक, मयूर मतलब मोर, शुक मतलब तोता, बालक मतलब बच्चा लड़का, गज मतलब हाथी, मकर मतलब मगर मच्छ, जो पानी में रहता है और घात लगाए रहता है कि कोई जैसे पानी में आएगा पकड़ लूँगा उसे, खा जाऊँगा वो। बिडाल बिलाऊ, मेल बिल्ली, मुश्क चूहा, चालक ड्राइवर, ड्राइवर को क्या कहेंगे, गाड़ी चलाने वाला ही होगा ना, ये इंग्लिश का वर्ड है। घटह मतलब घड़ा, जिसमें अब गर्मियाँ आ गई है तो गर्मियों के अंदर घड़े में पानी रखा जाता है ताकि वो ठंडा रहे, तो वो घड़ा है ये, कुम्हार जो बनाते हैं। दीप कह मतलब कि दीप, दीपक ही कहेंगे इसे, जो कि दिवाली के टाइम पर हम जगाते हैं। ये वाला अश्व मतलब घोड़ा, चंद्र मतलब चांद, गायक का मतलब जो गायक होता है, जो गाता है, ठीक है, सिंगर। ये हो गया जैसे लैंप, ओके। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके वर्ड्स को आप उच्चारण करेंगे ताकि साफ हो। संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती कई बच्चों को, तो संस्कृत पढ़ करके देखिए और संस्कृत की इसमें पैठ कीजिए, इसके अंदर अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है ना? तो जरूर करना है ये काम। तो ये है कृषक, किसान, वृषभ, बैल, भल्लूक, बियर जिसे कहते हैं भालू, मंडूक, मेंढक, कपोत, कबूतर, प्रियंक,
बिस्तर के लिए इस्तेमाल में लाया गया है ये पलंग, और दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः जो कि आपकी बुक के जो चैप्टर है उसके अंदर आया था, दर्जी। ठीक, अब एक्सरसाइज पर पहुँचते हैं। एक्सरसाइज पर पहुँचने से पहले ये देखिए, जब आपके पशु पक्षियों के नाम आते हैं ना, तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीन पशुओं के नाम तो आ ही गए नहीं, और ये पक्षियों के नाम के अंदर दो पक्षी के नाम आ गए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आपको आपके सामने इस तरह की एक्सरसाइज आएगी, पांच पशुओं के नाम, पांच पक्षियों के नाम, इसी तरह से रंगों के नाम, सप्ताहों के नाम, इस तरह की आती है आपकी एक्सरसाइज। और अच्छे से कीजिए ताकि आप क्या है, पैराग्राफ भी मिलते होंगे ना आपको एक्सरसाइज जो एग्ज़ाम के अंदर, अनसिन पैसेज कहते हैं जिसे हम, अपठित गद्यांश, वैसे ही आपको मिलते हैं। पत्र लेखन भी आता है, चित्र वर्णन भी आता है, तो इन ये आपकी मदद करेंगे इन शब्दों के, इनको स्किप मत कीजिए कि भाई ये तो एक्सरसाइज में है नहीं, हटाओ इसको, नहीं करना। अच्छा, अब आगे करें स औ। अब आप ये देखिए, स के बाद औ है तो यहाँ पर सऊ बनेगा। ठीक, उसके बाद च ई, तो च क छोटी की मात्रा है, ची सोची, क के बाद अविसर्ग है तो क के बाद विसर्ग आएगा, क विसर्ग, सोची कह। नेक्स्ट है स को उ की मात्रा है तो हम छोटे उ की मात्रा लगा दी, फिर न को न के साथ अ है यानी कि न पूरा है, कोई मात्रा नहीं है तो न लिख दिया, क के बाद औ की मात्रा है तो क के औ की मात्रा लगेगी, कौ सुन कौ, दो कुत्ते। ये है वर्ण संयोजन जो कि काफ़ी फायदेमंद रहेगा, इस तरह की एक्सरसाइज जरूर देते हैं वो, ताकि आपको वर्ण की जो संधि है जैसे जुड़ते हैं ये आपको सही से समझ में आए। आगे इसका उल्टा भी आएगा, आपको वर्ण दिया जाएगा और आपको इस रूप में लिखना होगा। ध के बाद आ की मात्रा है तो क्योंकि जो व्यंजन है वो शब्दों उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसे स्वर, व्यंजन क ख ग ग च छ ज जन ये होते हैं जो, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ए आ ई ई उ है ना, इनके साथ में, तो ये आपको इस भाषा ज्ञान करवा रहे हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगेगी, आप जैसे आ है तो ध के साथ आ की मात्रा लग जाएगी, धा, व प्लस अ तो यानी व पूरा आएगा, कोई मात्रा नहीं है सिर्फ पूरा आएगा व, फिर त के साथ विसर्ग है तो धा व त ह, इजी, वेरी गुड। अब आगे इसी तरह से दो और हैं, व को री की मात्रा है, यहाँ पर बच्चे गलती करती है और पैरों में रला देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं, व को री की मात्रा है, व और री, द द के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये आधा ही रहेगा और हलंत लगा देंगे, ध के साथ आ की मात्रा, धा और विसर्ग, वृद्धा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, सिर्फ मेल के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद ग प्लस आ प्लस य प्लस अ, ग हलंत है और इस आ की मात्रा तो ये बन गया गा, य प्लस अ, य न कुछ और नहीं है इसके साथ में तो ये आधा रहेगा, त के बाद छोटी की मात्रा है तो ये छोटी की मात्रा इसको भी इंक्लूड करेगी, ऐसे गायंती, ओके गुड। अब हमें यहाँ पर वर्ण को विच्छेद करना है, वर्ण को अलग अलग करना है, वर्णों को देखिए जरा, सी है पहला, सी है फिर व आधा है फिर य है फिर त है, छोटी की मात्रा है, तो सी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स हलंत, भूलना नहीं है हलंत को, प्लस अब ये बड़ी की मात्रा है ना
तो इसलिए बड़ी ई आएगी इसके साथ में। सी के लिए ये चीज़ हुई। नेक्स्ट हमारे पास है व, और वो भी आधा, तो इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा, इसको अकेला छोड़ेंगे ऐसे। फिर य पूरा है तो य के साथ हलंत करके हम अ लगाएंगे, तो के साथ छोटी की मात्रा है तो इसके साथ छोटी ई आएगी। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट, ये र का जरूर ध्यान दीजिएगा। र की साउंड व और अण के बीच में आ रही है तो यहाँ पर आएगा ये। पहले व के लिए पूरा व है तो कोई मात्रा ना हो चाहिए, लेकिन अ तो आना ही आना है। फिर अगर पूरा है तो आधा है, तो यहाँ जैसे आधा था तो इसके साथ कुछ नहीं आया। नेक्स्ट अण हलंत, अण के, अरे भूल गए, इसको काटते हैं। फिर र है ना ऊपर, र, फिर अण, इसको आधा रखेंगे। अण प्लस आ की मात्रा विसर्ग लगेगी क्योंकि पीछे विसर्ग है। वर्णाहा, ठीक, बहुत सारे वर्ण, क ख ग गण च छ ज झ ण, प्लूरल के लिए। शिव्यति यानी कि सिलाई करता है या करती है। कुकरऊ डोगी के लिए, देख करके घबराओ मत, आसान है ये। कुकरऊ क हलंत, साथ में छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ आ गया, ये आया कु के लिए। फिर क आधा है, इसका मतलब इसके साथ कुछ नहीं आएगा, अकेला छोड़ेंगे। फिर क अगेन हलंत, छोटे ऊ की मात्रा। फिर र हलंत और औ की मात्रा है, ये कुकु कुकु रऊ, दो मात्राएं है तो बड़ा ओ आएगा, एक मात्रा होती तो छोटा ओ यानी कि एक मात्रा ही आती। नेक्स्ट मयूराहा, म हलंत अ, म पूरा तो म प्लस अ, य बड़े ऊ की मात्रा तो य हलंत और बड़ा ऊ। फिर र, र प्लस आ की मात्रा विसर्ग, मयूराहा, ठीक। आगे बाल कह, ब प्लस आ बा। फिर ल, कुछ नहीं है तो अ तो आएगा ही आएगा, आधा होता तो अ भी ना आता। कह क हलंत प्लस अ विसर्ग। क्लियर हो गया? गुड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, चस्कह चस्कऊ चस्काहा, ये होता है पहले पुलिंग के लिए। पहले वाले में विसर्ग, दूसरे वाले में औ की मात्रा, तीसरे वाले में आ की मात्रा विसर्ग लगती है। तो बलिवर्धव है तो यहाँ पर बलिवर्धह होगा पहला, बलि वर द और विसर्ग, बलिवर्धह बलिवर्धव। अब आगे नेक्स्ट में इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, जैसे चस्कह का चस्काहा हो गया था, बलि वर्दाहा, ओके। सुनकह सुनकऊ सुनकाहा, मृगाहा है तो ये होगा मृगह मृगऊ मृगाहा। सोचिकऊ सोचिकह सोचिकऊ सोचिकाहा, किसके लिए इस्तेमाल हुआ था ये? दर्जी के लिए। मयूरह मयूरह मयूरऊ मयूराहा। तो क्या समझ में आया? पहले वाला विसर्ग, दूसरे वाला औ की मात्रा,
और तीसरे वाले में आ की मात्रा विसर्ग। ओके नेक्स्ट, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देख करके इनके संस्कृत पद लिखना है। हाथी है ये, तो ये आएगा गजह। ये कौवा नजर आ रहा है तो काकह। चांद है तो चंद्रह। ठीक, गुड। अब नेक्स्ट, अब ये एक्सरसाइज है और इसके अंदर पिक्चर नज़र आ रही हैं और इसका यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, पीछे थे तीन थे और तीन ही यहाँ पर है, तो इसे कहेंगे हम तालम। ताला है ना ये, या फिर इसको हम ताल यंत्रम भी कह देते हैं। ठीक है, बलुकह था ये, पीछे पेज पर भी दे रखा था, तो ये है बलू कह। ये बिलाऊ लगन नज़र आ रहा है, तो ये होगा बी डा लह, बिलाऊ। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। तो एक वचन है तो एक वचन ही क्रिया लगी है, द्विवचन होता तो द्विवचन क्रिया लगती। जैसे कि अगले में आ रहा है अश्वौ किम कुरुतः, दोनों अश्व क्या करते हैं। अश्वौ दौड़ रहे हैं तो हम लगाएंगे धावतः और फुल स्टॉप। दौड़ रहे हैं, अगर एक अश्व होता तो पठती की तरह धावती होता, और अगर अनेक होते जैसे नीचे आ गया तो अंति लगा देते हम, तो ये होता धावंती, ऐसे अंति। कुकुराः किम कुर्वन्ति, जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो लिखेंगे कुकुराः भुकन्ति। पीछे थे दो कुत्ते तो उसमें लगा था भुक्तः और इसमें लगेगा भुकन्ति। ओके फुल स्टॉप। नेक्स्ट है छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं। छात्र दोनों देख रहे हैं या फिर खड़े हैं, ठहरे हुए हैं, तो तिष्ठतः भी कर सकते हैं हम। छात्रौ पश्यतः, देख रहे हैं, तो हम तः पश्यतः, देख रहे हैं। ठीक है, या छात्रौ तिष्ठतः, तिष्ठतः वैसे बैठना होता है, ठहरे हुए होना होता है, चलिए यही कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट है कृषकः किम करोति, किसान है क्या करता है। एक किसान है तो कृषकः आया है, तो ये क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है ना। अब अगला है कृषकः किम करोति, तो ये ना इसमें क्या आ जाएगा, कृषकः किम की बजाय कर्षति हो जाएगा। ये कर्षति मतलब खेत जोतता है, अगर द्विवचन होता तो कर्षतः हो जाता, और अगर सबको दिखा रखा होता तो कृषकः कर्षन्ति हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, कृषकः कर्षति, और अगर दो होते तो ये बनता कृषकौ कर्षतः, और अगर अनेक किसान होते जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और भी कई और, तो फिर यहाँ आ जाता कृषकः, मतलब बहुत सारे किसानों को दिखा रखा होता तो कृषकः कर्षन्ति। ठीक, तो फिर अन्ति लगता, दो के लिए तः, बहु एक के लिए ती, एक के लिए सिर्फ विसर्ग, दो के लिए औ की मात्रा,
और बहुवचन के लिए आ की मात्रा विसर्ग। ओके, अब यहाँ दो हाथी नजर आ रहे हैं तो गजौ किम कुरुतः, गज क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, गजहु चलते हैं, दोनों चल रहे हैं ना, दौड़ तो नहीं रहे, तो चलतः, दैट्स इट। ओके, अब हमारे पास है मैच करना। मैच के अंदर आप जरा ध्यान से समझिए, गजह क्या कर सकता है, एक के साथ कई फिट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है फिर आपको तो एक के साथ एक ही करना है ना, तो गजह के साथ नृत्यंती तो होगा नहीं, गायती भी नहीं होगा, पठता भी नहीं होगा, चलंती हो सकता है, गर्जता नहीं होगा। अब इसके साथ यही क्यों बैठा, क्योंकि अंति प्लूरल हो गया, ये एक से ज़्यादा हो गया, गजह गजऊ गजहा प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में तो लगता है अंति, अंति एक तो ये है और एक अंति ये है। अब गजह नाच तो नहीं रहा, फिर अगर नृत्यंती कर भी दो आप, नाच रहा है तो यहाँ पर मयूरा के साथ क्या करेंगे, तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा हो आप उसके साथ इसकी मैचिंग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे डाल देता हूँ क ख ग घ ड, तो यहाँ पे नंबर डाल दूँगा इसकी कि भी कौन से वाले कैसे है। वैसे ये डालने तो मुझे इस तरफ चाहिए थे, अब लिखे गए, ठीक है, दैट्स इट। गजहा, तो इसकी मैं एक बार के लिए गजहा चलंती कर रहा हूँ, मैचिंग बाद में देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंहौ, ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है गर्जतः, क्योंकि गर्जतः किसी और के साथ नहीं बैठेगा, इसलिए ये यहाँ पे। गायक, ऑब्वियसली गाएगा ही ना, नाचेगा तो नहीं, नहीं तो वो गायक का इस्तेमाल ही ना करता, तो गायती एक वचन है, एक वचन क्रिया भी है ये, और सिंहौ द्विवचन है, द्विवचन क्रिया है, तह पठतः तो नहीं हो सकता। अब देखिए बनाने को तो क्या पता चित्र के अंदर पढ़ता हुआ दिन नज़र आ जाए, लेकिन फिलहाल जो इसके साथ फिट बैठ रहा है वो ये वाला है, ये नहीं, क्योंकि ये बैठेगा इसके साथ, बालक के साथ, बालक पढ़ते हैं। तो गायक के लिए गायती एक वचन है, एक वचन क्रिया, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। बालकौ द्विवचन द्विवचन है, तो द्विवचन क्रिया होगी, तो वो पठतः के लिए होगी यहाँ पे, तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब रहा लास्ट मयूरहा, और यहाँ बचा नृत्यंती, तो ये जो है 5 यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, ये एक्सरसाइज भी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम बढ़ रहे हैं आगे इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए। वीडियो लेंथ ही ज़रूर हो जाए, लेकिन समझ में तो आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपाधापी थोड़ी ना करनी है, तो अच्छे से समझिए। अब यही बात फिर आ जाती है, मयूरह नाचते हैं, तो ये वाला जो है इसके साथ बैठ रहा है फिट, मैं अभी इसको फील नहीं करूँगा, क्या पता कोई उलट पुलट हो जाए, तो फिलहाल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क गजौ दो हाथी चलते हैं, तो तह वाला कोई होगा, तह वाला गर्त है कर दिया क्या मैंने सॉरी काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ ना, तब करके हो जाती गलती। नृत्यंती मयूरहा प्लूरल है, प्लूरल के साथ अंति आता है, तो यहाँ आएगा ये गजौ दो हाथी चलते हैं, क्या है ये वाला, औ आ गया तो त विसर्ग वाला आएगा, चलती चलतः चलंती चलतः, गजौ गजह गजौ द्विवचन, ये ख डाल दिया मैंने यहाँ पर, वृक्षाहा 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 प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, धावती नहीं, धावंत अंति वाला कोई आएगा, प्लूरल है, फलंती है और कोई नहीं है, एक नृत्यंती, हम वृक्ष थोड़ा नाचेगा, फलंती फल देता है, तो ग इसके साथ कर दिया मैंने। अब सिंहौ दो शेर दहाड़ते हैं, तो गर्जता हो, तो ये जो घ है वो हमने यहाँ रख दिया। वानरह एक बंदर
एकवचन क्रिया होगी, खादती भी हो सकता है, धावती भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब अश्व के साथ खादती हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट ज़्यादा तो घोड़ों के लिए हम धावती करते हैं, तो यही करेंगे, दौड़ना। ठीक है, तो चो इसके साथ चला गया और जो अड़ है वो इसके साथ। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको फील कर सकते हैं हम, क्या कह रहे हैं आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज है। सतौते इत्येभ्य इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरियत। सतौते का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको उचित सर्वनाम पद का इस्तेमाल करना है और वो लिखना है, रिक्त स्थान को भरना है। गजहा चलंती, आपको क्या करना है, सहतौते में से कोई इस्तेमाल करना है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। सहतौते, सह एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, तो सिर्फ विसर्ग लगा हुआ है, अ की मात्रा विसर्ग है तो सह लगेगा। जैसे कि यहाँ पर अ की मात्रा विसर्ग वाला कौन कौन सा है, नो नो नो, ये आ गया, सिर्फ विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर सह लगेगा और कोई नहीं है। फिर तऊ की बारी बात करें तो तऊ जहाँ पे औ की मात्रा लगी हुई है, जैसे कि अश्वऊ, जैसे कि गजऊ, जैसे कि बिडालऊ, जैसे कि कुकरऊ, जैसे कि सुनकऊ एट्सेट्रा, तो औ की मात्रा वाले पे तऊ लगेगा। औ की मात्रा वाला ये है, यहाँ तऊ लिख देते हैं, औ की मात्रा वाले कोई और नहीं बचा। अब ते, सहतौ ते प्लूरल है तो आ की मात्रा विसर्ग वाले पे लगेगा, ये आ की मात्रा विसर्ग वाला ये है, यहाँ ते लिख देते हैं, ये पुलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ये है यहाँ ते और एक ये है, तो यहाँ ते होगी फिलअप। समझ में आ गया, एकवचन द्विवचन बहुवचन, ये बहुवचन था, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ये एकवचन तो सह लगा, ये बहुवचन था तो ते लगा, द्विवचन था तो तऊ लगा, ये बहुवचन था तो ते लगा, बहुवचन था तो ते लगा। ठीक है, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने कर ली है एक्सरसाइज पूरी। और ये जो फोटोकॉपी निकाली थी इसका सही उपयोग हो गया, अब मैं ये अपने स्टूडेंट को दे दूँगा, उसके काम आ जाएगी, और स्कैन ज़रूर करूँगा ताकि ये आगे फ्यूचर में काम आए, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। मुझे संस्कृत इतनी नहीं आती लेकिन मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पसंद है संस्कृत पढ़ाना, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आगे भी इसी तरह से आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाय बाय बाय।